जानवर दुनिया में ऐसे हैं जिनका कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। एक तो बंदर है, बंदर फसलें भी तबाह करता है, नुकसान भी बहुत पहुंचाता है। दूसरे चूहा है। अच्छा, आपने कभी मदारी देखा? जी मदारी देखा? मदारी बंदर को लिए रहता है, बंदर को भी बंदरिया को उससे पूछे तो इससे नुकसान है फायदा है। अच्छा दूसरा जानवर क्या होता है? चूहा। चूहा भी फसलों को तबाह बर्बाद करता है, लेकिन जो हिंदू है वो दोनों ही की पूजा करते हैं, बजाय मारने के उल्टा उनकी पूजा करते हैं। अब चाइना के में अगर बंदरों को भेजते हैं वो खत्म कर दो सब ब्राह्मणों की दुनिया में जो एडवांस पार्टी में बैठे हुए हैं ज्यादातर
वो कौन से जानवर चूहे हैं कि नहीं है? बीके वालों को बता करके सर्विस करते हैं या अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर सारा घोंगला कर देते हैं? क्या करते हैं चूहे जैसा मतलब सेवा करते हैं, फूंक मारते हैं, ठंडी ठंडी फूंक मारते हैं और देखा कि नरम चीज है वही इंजेक्शन लगा देते हैं। तो फायदा होता है या नुकसान होता है? क्यों फायदा होता है? वो तो ईश्वर फायदा दे रहे हैं, ईश्वर फायदा दे रहे हैं। ईश्वर फायदा लेकर के परिणाम में चला ले जाता है, अपना फायदा क्या? ईश्वर जो फायदा लेता है वो फायदा परिणाम में उठा के ले जाता है क्या? तो फिर कितना फायदा होता है? हम बच्चों का ही फायदा है। ये सब बातें जो है ना ये दूसरे धर्म वालों ने हिंदुओं को काटने के लिए उठाई हुई है, असली बात नहीं है। अजीब से लगती है, अजीब लगती है लेकिन बुद्धि की बात है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें गुण और धर्म न हो, गुण और अवगुण न हो। सारी सृष्टि गुण और अवगुणों से भरी पूरी है। ये हो सकता है कि गुण कम होंगे अवगुण अवगुण जाते होंगे, ये हो सकता है कि अवगुण अवगुण जो है बहुत थोड़े हों और गुण बहुत जाते हों, लेकिन गुण तो वही सारी सृष्टि है। ये तो कह ही नहीं सकते कि कोई फायदा नहीं। नाग पंचमी पर जो पूजा करते हैं नाग की बजाय मारने की उसकी उल्टा पूजा करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं। हाँ जी, ये जो इन बैठे हुए हैं रुद्रमाला में शंकर जी के गले में बैठे हुए हैं, कमर में चिपते हुए हैं, बाहों में चिपते हुए हैं, ये सांप नहीं है तो क्या क्या है? ये बड़े बड़े सांप हैं, कोई काम के, कोई क्रोध के, कोई लोह के, कोई मोह के, कोई अहंकार के, बड़े बड़े सर्प है। इसलिए नेपाल में तो खास दिखाया गया है क्या सांपों की शैया और ऊपर से वो ही सांप छत्र छाया कर रहे, वो ही फिर उनकी सुरक्षा भी करते हैं। बाबा को नागमणि सचमुच हो जाती है पैदा, वो कहते हैं कि वो स्त्री बन जाते हैं नागमणि, मणि जो है वो किसकी यादगार है? आत्मी की स्थिति की यादगार है। आत्मी की स्थिति जब बनती है तो नागों का नाग बना रह जाता है क्या? सर्पों के अंदर जो काम क्रोध लोग वो अहंकार वाली वृत्ति है वो रह जाती है, नहीं रह जाती तो भले उसको सर्प ही कह दो। बाबा जी त्यौहार रहता है तो कहा जाता है मतलब बच्चों को पढ़ाई पढ़ाकर क्या? तो बाबा फिर जब पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को जाता है तो कहाँ पर जाता है? तो बाबा पढ़ाई पढ़ाकर कहाँ जाता है? कहीं तो साकार परिणाम में ले जाता है, कहाँ ले जाता है? अपने घर ले जाएगा कि नहीं? कहाँ है साकार परिणाम? तुम इस सृष्टि पर परम नाम को उतार लेंगे, परम नाम बनेगा वहां सब बच्चे जो है वो निराकारी स्टेज में होंगे या नहीं होंगे? निराकारी स्टेज में होंगे, संगठित निराकारी स्टेज में होंगे। ऐसी निराकारी स्टेज संगठित रूप में बनेगी बाप के साथ कि जो वहां पहुंचेगा उसकी ऐसी स्टेज बन जाएगी, निराकारी स्टेज बन जाएगी। स्थान का ऐसा प्रभाव हो जाएगा, इसलिए उसको कहा जाता है बड़े की बड़ा तीर्थ। और दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं, चाहे हिंदुओं के हो, मुसलमानों के हो, ईसाइयों के हो, वो सब तीर्थ चौपट हो जाएंगे। कोई भी पूछेगा उनको दुनिया का बड़े से बड़ा तीर्थ माउंट आबू साबित हो जाएगा। अब आप कहाँ ले जा रहे हैं?
ऐसे स्थान को ले जाएगा कि जहाँ हमारी आराम से सन के रंग से लगातार स्टेज बन जाए। मतलब कृष्ण को निराकार स्टेज में ले जाएगी, मतलब ये परम धाम उस टाइम, मतलब कि बच्चे निराकार स्टेज में रहेंगे बाप के साथ, और वो खाना खाने के लिए क्या खाना? अभी बताओ कितने साल हो गए ये अनुचल चलते? हो गया 2000। 2000 नहीं नहीं तुम्हें कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल हो, 4 साल में तुमने कभी ये अनुभव किया कि 8 साल हो गए, कभी 8 साल में कभी ये अनुभव किया? बाहर की बात बंद कर दो, पूरा बंद कर दो। 8 साल में कभी ये अनुभव किया? सच्ची सच्ची बता दो कि जिन दिनों ज्यादा अच्छी याद रहती है, बहुत खुशी रहती है, उन दोनों भूख प्यास कम हो जाती रही या बढ़ जाती रही? कम है। ऐसी ही स्टेज बन जाएगी कि देह से कनेक्शन आत्मा का टूट जाएगा। जब तक देह है तब तक भूख प्यास है, पेट है तो भूख लगती है, जब पेट का लगाव भी नहीं रहेगा तो भूख प्यास भी नहीं लगेगी। अरे सोचने की बात है, अभी चिंता लगी रहती है, अरे कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, तो इसी दुनिया में मरे पड़े। नहीं तो बाबा ने तो कह दिया है कि माउंट आबू ये एक ऐसा पहाड़ है जो आखिरी विनाश तक डटा रहेगा, तो वहां जाके मढ़िया डाल के रहने लगे क्यों नहीं रहते? क्योंकि पेट पेट की चिंता लगी हुई है। हालांकि वो चिंता भी बाबा ने हल कर दी, बाबा ने बता दिया मेरी सेवा में लगे रहने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते, गारंटी दी हुई है। तो भी देह की इतनी चिंता है, ये विकारी देह जब तक इसके आत्मा चिपकी हुई है, लगाव है, अटैचमेंट है, तब तक भूख लग रही है। जब अटैचमेंट खत्म होगा भूख ही उड़ जाएगी, खुशी जैसी खुराक रही। नहीं ये बात, ये पॉइंट झूठा साबित कर दो कि बाबा ने ये झूठा कहा है, खुशी जैसी खुराक नहीं। इतनी खुशी में खराब हो रहेंगे कि भूख का पता ही नहीं लगेगा, भूख क्या खत्म, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। एक तत्व में 5 तत्व मौजूद होते क्या? मिट्टी है, इतनी मिट्टी हो उसमें वायु भरी हुई है कि नहीं भरी हुई है? उसमें आकाश है या नहीं है? उस मिट्टी में थोड़ा बहुत पानी है या नहीं है? उस मिट्टी में आग है या नहीं है? हर एक तत्व में एक तत्व दूसरे तत्व से मिस हुआ पड़ा है। शरीर की संरचना ऐसी बन जाएगी कि हमें ज्यादा हाथों से कुछ लेने की बात रहेगी नहीं, प्रकृति सामर्थी बनती रहे तो बनती रहे, दुनिया वालों के लिए बनेगी। जिनका अटैचमेंट आत्मा में शरीर में है ही नहीं, 5 तत्वों में अटैचमेंट ही नहीं है, उनका प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी, बिगाड़ ही नहीं सकेगी, उनका बिगाड़ेगी जिनका अटैचमेंट 5 तत्वों के शरीर से लगा हुआ है। बाबा ये जो ब्रह्मा बाबा की सोल है वो अभी प्रवेश करके इंस्पिरेट करती, मन उमंग उत्साह बढ़ाती है या कम करती है? श्रेष्ठ आत्मा है या उत्कृष्ट आत्मा है? तो प्रवेश करके पतित पना बढ़ाएगी या पावन बनाएगी? तो फिर हमें क्या समझना चाहिए बाबा? हमें ये पक्का कैसे हो गया कि ब्रह्मा की सोल नहीं प्रवेश किया? बाबा ने तो कहा तुम ऐसे समझो शिव बाबा ही तो शिव बाबा ही याद रहेगा। अगर ब्रह्मा से भी कोई उल्टा काम हो जाता है तो भी मैं बैठा हूं ना, इनके उल्टे काम को भी क्या करूंगा?
सुलटा तो दूंगा, अभी तो तुम्हें ये पता ही नहीं कि ब्रह्मा जी तो प्रवेश करती है कि बाबा शिव बाबा प्रवेश करके सर्विस करके चले जाते हैं, हनुमान क्यों लगा होती है, हनुमान जी तो नुकसान हो जाए ना। एक है ब्रह्मा बाबा की सुगुण, कृष्ण की सुगुण, बच्चा बुद्धि है क्या, जो भी देवताएं होते हैं वो सब कैसी बुद्धि होती होगी, देवताएं बुद्धि माने बच्चा बुद्धि, हम जो रुद्रमाला के मणके हैं वो बच्चा बुद्धि नहीं है कि जैसी बात बाबा ने मुरली में सुना दी और वैसी हम तुरंत मान ले और कभी हमारा विरोध का संकल्प उठे ही नहीं, ऐसा अनुभव बेसिक में किया कि मुरली चलती रही और बुद्धि चलती है, बाबा ने क्या कहा या ऐसी ही कहते बुद्धि चली या नहीं चली है, अरे कोई बात नहीं बुद्धि चली या नहीं चली है, मुरली जो जो मुरली बोलती गई वो सब सत्य बचे महाराज होता गया है, बुद्धि चली, बुद्धि चली रहे रहेगी नहीं क्योंकि ये बात समान बच्चों की बुद्धि है, ये कृष्ण जैसी आत्माओं की बुद्धि नहीं है कि हर बात में सत्य वचन महाराज करते रहे, हम पैदाइश बाप की है क्या, अम्मा भी है लेकिन पहले कौन है, पहले ज्ञान का बीज हमारे अंदर, हम कोई देह के आधार पर आकर्षित होकर के ब्राह्मण नहीं बने क्या, तो ब्रह्मा कुमारी का चोला हमने हमको आकर्षित किया हो या ब्रह्मा बाबा का चेहरा आकर्षित किया हो या मम्मा का चेहरा आकर्षित किया हो फिर हम ब्राह्मण बन गए हो, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है ब्राह्मण एडवांस पार्टी में कोई तो कन्वर्ट होने वाला ब्राह्मण है क्या, पक्का ब्राह्मण नहीं है, बाबा ये लोग गुस्सा क्यों खा जाते हैं, अगर उनके सामने कोई सच्ची बात कहें एकदम क्रोध में आ जाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं क्रोध नहीं करना, जो गुस्सा जिनको आता है इससे साबित होता है कि इनकी कामना के ऊपर आप कुठारा भर कर रहे हैं, उनकी जो अंदरूनी कामना है सुख साधन सामग्री हमारी बनी रहे क्या, उसको कोई उंगली न लगाए, आप उंगली लगाते हैं, आप जो भी सुनाएंगे उनकी सुख साधन सामग्री को आप अटैक करेंगे, चाहे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी हो चाहे दुनिया भी लोग, और अटैक करेंगे तो उनकी कामना का हनन होता है, कामना का हनन होता है तो क्रोध में आ जाते हैं, कामेशु क्रोधेषु, बाबा जो इच्छा रखी है वो कामना मतलब की काम विकास में उसका अंश है क्या, क्यों नहीं, हम इच्छा मात्र में अविद्या बनना है या इच्छा रखनी है इस दुनिया में, अविद्या बनना है इस दुनिया की कोई चीज की हमको इच्छा नहीं रखनी है, जानते हैं सब विनाश विनाश होने वाला है, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब नष्ट होने वाला है, नष्ट हुआ पड़ा है, हमें ये करना है वो करना है मतलब संकल्प करते हैं थोड़ा कुछ पैसा करना है, आ तो कोई सेवा करके मतलब तो ये सेवा के लिए काम न करते तो उसके लिए क्या करते हैं, इस दुनिया का सुख चाहते हैं सेवा के लिए, ईश्वरीय सेवा अगर करोड़पति है तभी कर सकते हैं, हमारी जेब में 10 रुपए का नोट है तो हम ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते, बाबा ने तो बोला है जिसके पास 10 रुपए का नोट है ईश्वरीय सेवा में लगा देता है और जिसके पास 10 करोड़ है वो भी ईश्वरीय सेवा में लगा देता है, तो दोनों का बराबर भाग्य बनेगा या आगे के ऊपर बनेगा, बराबर बनेगा, फिर हम ये चिंता ही क्यों करते हैं कि हम 10 करोड़ वाले आदमी बने करोड़पति बने, हमारे पास जो भी है हम अपनी भावना से अपने दिल से सब कुछ अर्पण करेंगे, बाप दिल वाला है
ये धन वाला है या तन वाला है? बात तुम्हारा दिल लेने आया है। लेकिन बाबा जब तक विनाश नहीं हुआ इसने तो उन पदार्थों में इच्छा रखकर सुख ले लेना चाहिए जो गिला वजन से इस दुनिया के जितने सुख ले लेंगे उतने सुख वहां कम हो जाएंगे। इस दुनिया की जितनी बादशाही ले लेंगे जितनी राजाई कंट्रोलिंग दूसरों के ऊपर कर लेंगे उतनी वहां कम हो जाएगी। अरे दो रोटी खाई पेट को क्या चाहिए? क्या चाहिए प्रसाद करने के लिए? पाव भर आटा खाएंगे तो हमारा प्रसाद नहीं होगा? नमक की रोटी खा लेंगे प्रसाद नहीं होगा? होगा। दुनिया में कितने लोग हैं जो नमक की रोटी खाते हैं जिंदा रहते हैं और खूब काम कर रहे हैं? तो वो तो गारंटी बाबा ने दी हुई है कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। बाबा ये बात की आज में अगर कर्म इंद्रिय हमारी रचना नहीं लेती है बाकी याद में मन बुद्धि खोई हुई है और कर्मेंद्रिय सक्रिय होते हुए भी उनकी रचना न ले। कर्मेंद्रियों में भी मुख्य कर्मेंद्रिय कौन सी है मनुष्य के लिए? ज्ञान इंद्रिय। नहीं, मनुष्यों के लिए खास कर्मेंद्रिय कौन सी है जो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है? उसके बारे में बात बताओ, इधर उधर क्यों तिरकते हैं? ये बाबा ने बोला है कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो रसना है काम की रसना ही हो ये नहीं होगी, ये समाप्त हो जाएगी। ऐसी ऐसी स्टेज बनानी है ना, तो ये संगम में ही स्टेज बनेगी। बनाएंगे तो ये बात की सत्य बनाने वाली बात तो ब्रह्मा जैसी आत्माओं के लिए है। जो यहाँ बनाएगा वो अंत देखेगा, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। पावरफुल आत्मा कही जाएगी, बीज रूप आत्मा, सारी सृष्टि की बीज। बीज में ज्यादा पावरफुल पावर होती है या जड़ में ज्यादा पावर होती है? तने में ज्यादा पावर होती है, टहनी में ज्यादा पावर होती है, फल में ज्यादा पावर होती है? ज्यादा पावर किसमें होती है? बीज में ज्यादा पावर। तो अगर मुख्य बीज की याद में खोया हुआ बीज, वो तो बताया नारायण की याद करेंगे तो नारायण कैसे बने? तो बाबा ने बोला जैसे कि संकल्प सिद्धि हो जाएगी, मतलब उसको वो सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। कोई वाइब्रेशन दूसरा नहीं आना चाहिए। तो जो बाबा ने उधर बताया बाबा कि ये जो शिफ्ट दे रखी है विजय माला में पवित्रता की आवाहन करने के लिए, तो यहाँ एक साधने से तो सब सद रहे हैं। विजय माला का आवाहन करो ना, तो मना कौन करता है? नहीं, बीज की याद से ही बचित से पावन आत्मा बन रही है तो वो अपने आप खिंच जाएगी। बीज भी दो तरह के होते हैं, एक बीज होता है जिसमें एक ही दल होता है, एक बीज होता है जिसमें दो दल होते हैं। एक बीज ऐसा है जो प्रवृत्ति मार्ग वाला होता है, एक बीज ऐसा है जो प्रवृत्ति मार्ग वाला नहीं होता है। तो ये कौन सा बीज है? तुम कौन से बीज को याद करोगे? प्रवृत्ति मार्ग। फिर उसमें तो दोनों है, तो प्रवृत्ति मार्ग के बीज को याद करने से बाबा वो अपने आप विजय माला खींच के आ सकती है? नहीं, क्यों नहीं? एक में सब कुछ सारी दुनिया समाई हुई है, तो वो एक बीज कैसा है? निवृत्ति मार्ग वाला है, जन्म जन्मांतर का। ये प्रवृत्ति मार्ग वाला है, प्रवृत्ति मार्ग वाला बीज है। उससे ज्यादा तो प्रवृत्ति 84 जन्म में कोई निभा ही नहीं सकता है। बाबा 2036 में क्यों बाबा मतलब इंडस्ट्री पर रहता है कि मतलब तरफ ध्यान जाता है? क्यों बाबा? क्यों बाबा? तो अभी अभी बता दिए कि जब देवताएं तैयार हो जाते हैं, क्या देव आत्माएं जब इस शक्ति पर प्रत्यक्ष होने लगती है, अभी तो प्रत्यक्ष नहीं। देवात्मा है कौन? पहली पहली देवात्मा कौन है? अरे इस शक्ति का पहला पत्ता कौन है?
नारायण नहीं कृष्ण वाली आत्मा देवात्मा है। प्रजापिता को देवात्मा नहीं कहेंगे क्या? क्यों नहीं कहेंगे? सारी सृष्टि की पैदाइश भी उसी से होती है, तो सारी सृष्टि का विनाश भी उसी से होता है। देवात्मा विनाश करेगी नहीं करेगी। इसलिए कृष्ण की प्रत्यक्षता माना सारी ब्रह्म कुमारी आके कूद पड़ेगी। वहाँ वो बीज भी नारायण बनता है तो वो फिर दैवी मत के अंतर्गत तो ईश्वरीय मत वाला है। तो ईश्वरीय मत वो खुद भी किसकी मत को फॉलो करता है? ईश्वरीय मत को फॉलो करता है। इस तरह 700 करोड़ आत्माएं हैं, सभी बीज हुए खास बीजों की तरफ। बीज तो सभी है लेकिन 500 करोड़ का बीज कौन है? बीजों का बीज। अच्छा 4.5 लाख जो है उनका बीज कौन है? वो तो एक तो पूरी सृष्टि का बीज हो गया। अच्छा जो मूल है उसी को पकड़ते हैं, बीज वालों को क्यों पकड़ना? रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में मूल को पकड़ते हैं या ऊपर ऊपर रिसर्च करते हैं? लेकिन मौके अनुसार तो कभी कभी पकड़ना पड़ जाता है। उससे हमारे संबंध नहीं, किसी और के साथ हमारे संबंध जो अवसरवादी होते हैं, जो जैसा अवसर आया वैसा अपना काम निकालेंगे, लेकिन अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। मौके का लाभ उठा लिया तो दुनिया की चिंता नहीं की। आज के नेता भी तो ये कर रहे हैं, मौका आया फटाफट से दूसरी पार्टी में चले गए। ये तो बात ठीक नहीं। उसूल का पक्का होना चाहिए या उसूल का कच्चा होना चाहिए? पक्का उसूल का होना चाहिए। ऐसे उसूल जिंदगी में अपनाना चाहिए जो टक से मत न हो, और ऐसे उसूल भगवान ही समझा सकता है। औरों के ऐसे उसूल पकड़ेंगे तो हठवादी बनेंगे, तो वो उन उसूलों से नुकसान होगा। माताएं तो पूरी मसद शादी में से है बहुत संतुष्ट धर्म में सवाल पैदा नहीं होता। बाबा जो हम घर चाहते हुए थे और ये सब संकल्प रूपों में आता है, वही संकल्प करो संकल्प चाहते थे क्या संकल्प कहता है तो ना चाहते हुए घर कथा में आ जाता है। उसका काम क्या है? उसका काम पूर्व में जो हमने कुकर्म किए हैं वो कुकर्म और अच्छे कर्म। अभी शूटिंग की रील में घूम रहे और हमारी आत्मा संकल्पों और स्वप्न के आधार पर जो उस रील से बधी हुई है, तो क्या अच्छे संकल्प आएंगे? रिहर्सल हो रही है ना, तो जो रिहर्सल हो रही है उस रिहर्सल में हमारे अच्छे कर्म भी उदय हो रहे हैं और पाप कर्म भी उदय हो रहे हैं। पाप कर्म उदय होते हैं तो जो हम चाहते हैं ज्ञान युक्त तो होकर के करना चाहते हैं वो भी नहीं होने देते। तो ये तो मानना तो नहीं देते हैं जो पाप कर्म तो ऐसा ज्ञान तो मिला हुआ है। एक शिव बाबा किया, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई सब बता दिए। हरे बाजू
सबको त्याग दो हर भजन। ये रिहर्सल बाबा फाइनल शूटिंग में कब बन जाएगी? हैं फाइनल शूटिंग कब हो जाएगी? फाइनल शूटिंग जब आप तैयार हो जाए। वो ये तैयार पहला मौका तैयार फाइनल शूटिंग के लिए। पहला मौका भी दूसरों दूसरों से बना हुआ है या अकेला है? दुनिया एक से बनती है या ग्रुप से बनती है? जो एक है ऐसे तो बाबा ने बोल दिया, बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, जा सकते हैं, बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं, नहीं जा सकते। बाप के लिए बच्चा प्राण होता है, वो हद के बच्चे होते हैं और ये हैं बेहद के बच्चे। बच्चे वो जो रचयिता की मत पर चले, रचना अगर रचयिता के कंट्रोल में है तो रचना है, कंट्रोल में नहीं है तो रचना रचना नहीं है। दुश्मन है जन्म जन्मांतर की, जो हमारे घर में आके पैदा हो गई, हमारा पुरुषार्थ अच्छा नहीं होने देती। कम से कम आज का परिवार तैयार हो। बाबा जो ये पादे के बारे में बताया है कि पादा अरे का पादा मतलब कि सुनना चाहिए, एक तो मतलब अपने पादों को मालूम होना चाहिए। मगर वो तो पादा है बुद्धू है या होशियार है? उनको पादा है बुद्धू पादा है होशियार बनने के लिए या तो पढ़ाई के आधार से होगी या तो अच्छी जो अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा तो मनुष्य मंथन ज्यादा चलेगा ना। पढ़ाई के ऊपर सारा मदार और पढ़ाई प्रैक्टिकल की होती है, ऐसे नहीं सुन लिया सुना लिया समझ लिया समझा दिया बस उतने तक ही पढ़ाई सीमित है, नहीं पढ़ाई का प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल में फेल तो फेल, कितना भी सुन लो कितना भी सुना लो कितना भी समझ लो कितना भी दूसरों को समझा लो, चिंतन मंथन करना चाहिए। मन चिंतन मंथन भी तब चलेगा धारणा जब हम ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे और खुद धारण करके ईश्वरीय सेवा में लगे तो और सोने में सुहागा। बाबा ये पाठ प्रत्यक्ष होने की जो बात है, जब किसी का पाठ प्रत्यक्ष होने में उससे झगड़े पैदा होते हैं क्योंकि दूसरे कुछ तो या तो बिलीव नहीं करेंगे। नहीं नहीं बाबा ने बोला है जब पाठ प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो हर आत्मा अपने पाठ से संतुष्ट हो जाएगी, अपने आप को संतुष्ट हो जाएगी, दूसरे विरोधी बन जाते हैं। विरोधी कितने भी बनते रहे उसे परवाह नहीं। वही कहते हैं बाबा के क्या क्या उसको तो पाठ प्रत्यक्ष भी कहता है, हमें क्या मतलब है? अरे दुनिया कुछ भी कहे हमें तो बाबा की बातों पर निश्चय हो गया ना, हमें दुनिया के आधार पर हमें लोकलाज के आधार पर चलना है, जो दुनिया की लोकलाज भस्म होने वाली है उसके आधार पर चलना है या बाबा के आधार पर चलना है? लेकिन हम जो विष्णु पार्टी और कृष्ण के लिए हमारा पार्ट है विष्णु जो पार्टी जो विष्णु पार्टी चल रही है वो विष्णु पार्टी है कि नकली पार्टी है? वो तो हमारे लिए नकली है, खुद तो समझ रहे आप जिस ज्ञान में चल रहे हैं वो ज्ञान सत्य है या जो दूसरे लोग सुना रहे हैं वो ज्ञान सत्य है? या तो वो ज्ञान सत्य है और आप नकली चल रहे हैं इधर, तो वो अपना पार्ट जो बता रहे हैं वो झूठा बता रहे हैं। तो बताने दो तो दुनिया कुछ भी बोले विष्णु पाठधारी ढेर सारे निकले हुए हैं, उनमें से ये कोई क्यों नहीं कहता कि हमारा बाप का पाठ है? उनके बाप का तो एक का ही होगा, वो बहुत साबित क्यों नहीं करते कि हमारे अंदर ही शिव बाप आता है?
देते हैं। बात ही ज्ञान, बाद में सुनाओ, पहली पहली बात क्या, बाप कौन है, हमें तो बाप की पहचान चाहिए, तब हम तुम्हारी बात सुने। हम अपने बाप को छोड़ करके तुम दुनिया भर के बाप तुमने बनाए हुए हैं, जन्म जन्म मान करके पाते हैं कितने कहाँ कहाँ कन्वर्ट होते गए, हम उनमें क्यों दौड़े हैं। माँ फुलता होगी जिनकी तो ढेर सारे बाप बना देगी, हमारा तो बाप भी एक पक्का है और हमारी माँ भी एक पक्की है। हम दोगुनी संतान नहीं है, बाबा अपना पास खुल जाएगा तो सुमन का सिर पर छेद हो जाएगा, अपना पाप का पता हो जाएगा, हो जाएगा। एक जन्म को थोड़ी, सब जन्मों का पार्ट पता पड़ गया, एक मुख्य जन्म का पार्ट पता चल गया और अगले जन्म वो रह गए तो थोड़ी कहेंगे आत्मा की हमको पूरी पहचान हो गई। आत्मा ने कहाँ पार्ट बजाया है, किस ग्रुप के बीच में पार्ट बजाया है, सारा पता चलना चाहिए ना। सुमन का सिर पर छेद हो जाएगा तो बाप पता नहीं है, बाप का मान सिर में सेट हो गया। प्रभाव में आने की जो बात है इसकी वजह से वो कहते हैं प्रभाव में आएंगे तो प्रजा बनेंगे, तो वो एक दूसरे की बात सुनने से अलग हो जाते हैं, दूसरे की बात ही नहीं कहते हैं। आप बीच में बातें हमें सुनाइए, हमें प्रभावित करिए। एक बात बताओ, आप बीच में बातें हमें सुनाइए, आप हमें प्रभावित कर लीजिए। लेकिन वो करके हम तुम्हारी बात सुनेंगे ना, हम तो आप धर्म अगर प्रभाव में आए तो सज्जा बन जाएंगे आपकी। हम सुनेंगे नहीं जो कहते हैं, हम तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगे तो समझ लो वो हमारे कुल का है ही नहीं। गुरु ने क्या बताया, गुरु ने तो यही बताया कि जिनको हम संदेश दें और संदेश लेने के बाद वो कहें हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहते, तो हमारे कुल का नहीं है, हमारे कुल का होगा दो तो बातें तुम सुनाओगे वो फट से खींचा हुआ चला है, तभी तो संगठन बनेगा। अगर एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे संगठन कैसे बन जाएगा, संगठन न बनने की भी एक बहुत बड़ी वजह बन रही है। और सारे ही हमारी बात क्यों सुनेंगे, 700 करोड़ हमारी बात सुनेंगे, 33 करोड़ भी हमारी बात सुनेंगे, अरे 9 लाख भी हमारी बात सुनेंगे। अभी हमारी बात तो सिर्फ कितने सुनेंगे, 4.5 लाख सुनेंगे, उनमें भी नंबर वार है। कोई किस धर्म के बीच, कोई किस धर्म के बीच, कोई किस धर्म के बीच, अलग अलग छिलका चढ़ा हुआ। इसकी चिंता ही क्यों कर रहे हैं हम, कि हमारी बात सुनता ही नहीं। हमें तो बाबा ने बता दिया हमारी बात क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनता, हमारी कुल का नहीं है, हमारी कुल का नहीं है, क्या बात ही बाबा, ये जो ब्रह्मांडों के देह ने ब्रह्मांडों के देह में झाड़ू लगने वाले है सब बोला है, झाड़ू पहुंचे तुम विचार से कर जाकर झाड़ू लगने वाले। अच्छा ढेर के ढेर नई दुनिया में पहुंचेंगे या नई दुनिया की शुरुआत थोड़ों से होगी, किसी को दुनिया बनाओगे क्या, मकान की सफाई नहीं करोगे, सफाई करना है झाड़ू लगाने वाली है बात, ज्यादा गहराई से बताएगी क्या क्या अड़चने आती है झाड़ू लगाने में,
वो भी बताए हम तो झाड़ू लगाने वाले पैसा देने वाले हैं भाई को ये बड़ी शिकायत है कि झाड़ू लगाने वाला टट्टी साफ करने वाला पेशाब का साफ करने वाला इसको नीचे क्यों समझा जाता है उसको अपने बिस्तर पर बैठा हो उसको उसको चिरौड़ी करो उसके साथ खाना खाओ ये इनके पैसे की शिकायत है अपना अपना पार्ट है किसी को कोई पार्ट अच्छा लगता है किसी को कोई पार्ट अच्छा लगता है कलकत्ते वालों को इतना समझाया कि नौ माताएं हैं नौ दुर्गा हैं उनमें तो महाकाली के पीछे क्यों इतने पड़ते हैं चंडिका देवी क्यों तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद है चोर हैं दुनिया के डकैत हैं ये महाकाली के ही क्यों पूजा करते हैं उनको श्रेष्ठ देवी नहीं मिलती पूजा करने के लिए संस्कार ऐसे बाबा जैसे मुरली में कहते हैं कि शिव भाव से कोई एक समय पर आता हूँ तो कहाँ से आते हैं मतलब आते हैं कहाँ से चांद से सितारे के ऊपर ऊपर नहीं पा क्यों क्योंकि पृथ्वी तो गोल है और गोल पृथ्वी के चारों तरफ सूरज चांद सितारे हैं तो ऊपर क्या हुआ ऊपर इधर कहेंगे कि इधर कहेंगे कि इधर कहेंगे कि इधर कहेंगे किधर ऊपर कहेंगे पृथ्वी गोल है गोल पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है वायुमंडल के चारों तरफ सूर्य चांद सितारे स्पेस में तो ऊपर किसे कहेंगे ऊपर थोड़ा ही सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार पार से बाप आते वही परमात्मा आई है एक भाई बोल रहा था कंपनी से सेवा करके हम आ रहे थे तो बोल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है यही है परमधाम कहीं वही नहीं है इसीलिए हमने हमने कहा बाबा के यहाँ भी परमधाम इस धरती पर होगा वो परमधाम बनाने वाले प्रैक्टिकल में आत्म की स्थिति में टिकने वाले बच्चे होंगे तुम बच्चे इस धरती पर परमधाम उतार लेंगे ये नहीं कहा वो बच्चे क्या कहा तुम बच्चे परमधाम को इस धरती पर उतार लेंगे तुम बच्चे का मतलब सन्मुख है सन्मुख का मतलब कोई मुख के सामने बैठ ले नाक से नाक भिड़ा करके उसको सम्मुख नहीं कहा जाता अंदर के संकल्पों से भी विमुख होने वाले ना हो अंदर के संकल्पों से भी सन्मुख रहने वाले हो विपरीत बुद्धि ना हो माता भाषा भी जानती है इसलिए है तो अंदर कुछ न कुछ कुछ चाहते तो है बोले जब माता लोग खाना पकाते ना तो सब बाबा की मुरली सुर मिलता है कि नहीं बाबा की मुरली सुर सकते हैं या नहीं 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा जरूर निकालो जिसमें कोई काम नहीं सिवाय शिव बाबा की मुरली सुनने के बाकी सारा दिन भले मुरली सुनो काम भी करते रहो 1 घंटे की जो पढ़ाई है स्पेशल वो पूरा दत्त चित्त होकर के सुनना चाहिए उसमें कोई काम धाम करना ठीक नहीं है मुरली सुन के समय काम नहीं करना नहीं 1 घंटा 1 घंटे की जो स्पेशल रोज की पढ़ाई है रेगुलर पंक्चुअल उसमें कोई हीला हवाला नहीं ऐसे नहीं स्वेटर घूमते जाए क्लास में बैठे बैठे और मुरली सुनते जाए नहीं वो स्वेटर में जो खंडा है वो उसमें ध्यान देना पड़ता है मुरली का पॉइंट मिस हो जाएगा क्लास के समय कोई काम नहीं करना चाहिए क्लास में मुरली सुनते समय
प्यार नहीं है ना, तब तो दूसरी जगह प्यार जा रहा है। प्यार अकेले में करना अच्छा होता है या सबके सामने दिखा दिखा के करना अच्छा होता है, अकेले में अच्छा होता है। ढाई बजे उठे और मूर्ति लगा लिए और क्लास में लड़की आ रही तो थोड़ा बाहर कर घूम रहे हैं तो दूसरी प्रैक्टिस नहीं है जगने की, तो जगने की प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ घूमते फिरते हैं, ढाई बजे मूर्ति लगा और मुरली सुनने लगते हैं, ज्ञान का लेन देन करने लगते हैं क्योंकि हम उम्मीद आ जा रही है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए बनाने के लिए कोई दूसरे रास्ते अपनाते हैं। लेकिन एक घंटा जो संगठित क्लास होता है उसमें जरूर ये पक्का है कोई दूसरा काम न करे। बाबा संगठन क्लास घंटा में कोई भी टाइम में कर सकते हैं, वो सबकी सुविधा के आधार पर, सवेरे को हो तो अच्छा है, मान लो सवेरे को नहीं हो पा रहा है और ज्यादातर लोग जो है उनको अड़चन पैदा हो रही है, बुद्धि दूसरी तरफ खींच रही है, तो अपना टाइम ऐसा निर्धारण है जहाँ सबको आराम हो, सबको सुविधा हो, वो टाइम निकाल। अमृत मेला भी ऐसे नहीं कि झुटपुटा होने से पहले ही क्लास शुरू कर दिया 3 बजे से, कन्या माता उनकी तो मुश्किल हो जाएगी, तो ऐसा टाइम रखना है जो झुटपुटा शुरू हो, दिन निकलना शुरू होता है और हमारा क्लास चालू हो जाए। शाम को भी ऐसे ही ऐसे न हो कि कन्या माताओं को रात में घर से वापस जाना पड़े। घरवाले भी सोच रहे हैं, घर में जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वो भी खुश रहे हैं, नहीं तो उंगली उठाएंगे फायदा क्या होगा। साढ़े 5 से 7 अच्छा टाइम है। फिर मौसम भी कभी कभी होता है, सर्दियों में मौसम बदल जाता है, जब मौका मिले बाबा जी संगठन क्लास है केवल गीता पाठशाला में किया जा सकता है या कोई ज्ञान में चलता उसके यहाँ, वो युगल है, घर में विरोधी लोग नहीं है, नया युगल भी निकला है चाहता है हमारे घर में संगठन क्लास हो उसका पूर्ति कर देंगे। नहीं बाबा युगल भी नहीं है जैसे कुमार है और उसके घर में कोई विरोधी नहीं है। नहीं कुमार के घर में कन्या माता भी जाएंगी फिर कन्या माता जाएंगी, ये क्या बात हुई पांडव भवन खोल सकते हैं, नहीं नहीं पांडव भवन खोल सकते हैं, कोई भी पांडव कोई भी कुमार अपने घर में पांडव भवन बना सकता है, उसमें पांडव ही पांडव जाएंगे कन्या माताएं नहीं करेंगी, न जाएंगी न रहेंगी, फिर खाना बनाने के लिए माता बुला ली वो कुछ नहीं। कोई विधवा माता है शक्ति भवन खोल सकती है, कन्या माता जाकर जैसे इकट्ठी हो वहां कोई पांडव नहीं जाएगा। जगदम्बा है वही दूसरा पार्ट महाकाली का होता है, ठीक है जब तमोप्रधान बनती है,
का पार्ट हो जाता है जिस तरह से कह रहा था कि वो दिल्ली जाने वाली दिल्ली भी वही है। हाँ दिल्ली दिल्ली कब्रिस्तान दिल्ली परिस्तान नहीं बनती परिस्तान बनती है तो महाराज का परिस्तान बनती है तब नहीं कब्रिस्तान बनती है तो महाकाली का पार्ट चलता है कब्रिस्तान में परिस्तान बनेगा सबसे दिल्ली ले लेंगे पूरा 500 करोड़ का दिल्ली में 700-750 करोड़ दिल्ली के ऊपर तो सारी दुनिया गिरा है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने दिल्ली पर लागे नहीं। अब दुनिया में एक ही शहर ऐसा है जहाँ हर धर्म की आत्माओं ने राज की है। दिल्ली की गोद बड़ी जबरदस्त गोद है। दिल्ली के मौसम का प्रभाव सारी इंडिया पर पड़ता है। दिल्ली बोला है दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन हो जाता है। काली कलकत्ते में पहुंच चुकी है। इसका मतलब जो काली जो है वो हमारे कलकत्ता है जो जिसका जो कलकत्ता का सबसे ज्यादा भाई चैनल बड़ा कहाँ चला है कलकत्ता फिर दुनिया का प्रसिद्ध शहर है। काली भी तो कलकत्ते में दर्द दिखाया है काली को कलकत्ते में असर हाँ जो विनाश होता है वो काय से होता है स्थापना काय से होती है प्योरिटी से स्थापना होती है इम्प्योरिटी से विनाश होता है। दुनिया में इम्प्योरिटी फैलती चली जा रही कम हो रही है। विचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है बढ़ता ही चला जा रहा है। अति होगी और दुनिया का ही अंत हो जाएगा। खास तौर से मुस्लिम जो है वो जगदम्बा को समझते हैं वो आदम की बाहीं पसली से पैदा हुई है। इस वजह से टेढ़ी है। हाँ वो बाहीं पसली से पैदा होने की वजह से वो टेढ़ी है। इस वजह से जगदम्बा की बात नहीं माननी चाहिए। जो दूसरे की बात क्यों माने वो आदम को भी वर्ग लाती है सीधी होती नहीं कभी एक ही बात माने ना। माम एकम याद करो ना दूजम को क्यों ओम शांति।